वडोदरा महानगर पालिका के स्थानिक स्वराज के चुनाव से पहले नागरिक वैसे मतदारों में मतदान करने की जागरूकता के भागरूप एक युवा लड़के द्वारा आज उल्टी साइकिल चलाते हुए अनोखी मतदान करने की जागरूकता लाई गई। वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव 21 फरवरी को होने वाले हैं। ऐसे में महज गिनती के दो ही दिन बाकी रह चुके हैं, तो वहीं मतदार वैसे नागरिकों में मतदान की जागरूकता के भागरूप चुनाव आयोग द्वारा कई अनोखा कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो वहीं जागरूक नागरिक वैसे नौजवान युवा द्वारा आज लोग वैसे मतदारों के बीच जागरूकता लाते हुए एक अनोखा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 21 फरवरी वडोदरा महानगर पालिका के स्थानिक स्वराज के चुनाव को ध्यान में रखते हुए हर एक नागरिकों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर अनिवार्य रूप से मतदान करना चाहिए, वैसे जागरूकता के भागरूप आज शहर के नौजवान युवा ने एक पहिए की साइकिल उल्टी चलाते हुए अनोखी रैली निकालने के साथ जागरूकता रैली निकाली गई थी। वडोदरा महानगर पालिका तथा तालुका जिला पंचायत के चुनाव अंतर्गत शहर के नागरिकों में 100% मतदान करने की जागरूकता के भागरूप एक अनोखा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शहर के नौजवान युवा रोनित जोशी द्वारा आज एक पहिए की साइकिल पर उल्टी चलाने के साथ अनोखी जागरूकता रैली निकाली थी। तो वहीं अपनी टी शर्ट पर स्लोगन लिखने के साथ शहर के महात्मा गांधी नगर ग्रह से वडोदरा जिला कलेक्टर कचेरी तक साइकिल यात्रा योजित करते हुए लोगों में अनिवार्य रूप से 100% मतदान करना चाहिए, वैसी अपील की गई थी। जोशी है, हूँ 12th स्टैंडर्ड में भणु छु। आज हूँ गांधीनगर ग्रुप थी कलेक्टर ऑफिस सुधी यूनिसाइकल एटले के एक पैड़ानी साइकिल लेने आव्यो छु, जनजागृति अवेरनेस माटे। एटले वधारेमां वधारे वोट थाय, वधारेमां वधारे जे सीटिजन्स छे ए लोको वोट करे, कारण के अगर वोट नहीं करे तो एमने हक नथी के कोईने क्रिटिसाइज करी सके, केम के राजा तो आपणे नथी पण आपणे ज छे जे राजाने बनाईए छे। एटले आपणो वोट आपवो बहु ज जरूरी छे, एना माटे मैं एक अभियान शुरू कर्युं छे। એટલે એમાં હું યુનિસાઇકલ ચલાવીને આવ્યો છું, બસ ખાલી એક જ મેસેજ આપવા કે જેટલા થઈ શકે એટલો વોટ આપો। 21st ફેબ્રુઆરીએ છે ઇલેક્શન, 5 વર્ષમાં એક જ વાર આવે, તો વોટ આપો, અવશ્ય આપો વોટ। હું એમ તો એકલો જ છું, પણ મારા સપોર્ટમાં ડેડી છે, મમ્મી છે, દિનેશ સર છે, અને કલેક્ટરશ્રીના એડવાઇસથી મેં આ સ્ટાર્ટ કર્યું છે। રોનિત જોશી।